छत्तीसगढ़ में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए समाज सेवी विभीषण पात्रे के पहल से दिल्ली के सामाजिक संस्था गुंज के द्वारा श्रमदान के एवज में भुईगांव के सरपंच विभा देवी डमरू मनहर को 160 पैकेट राहत सामग्री दी गई, जिसे पंचायत भवन में सरपंच विभा देवी डमरू मनहर के गरिमामय उपस्थिति में जरूरतमंद लोगों को वितरित की गई। पैकेट में एक परिवार के लिए राशन, कपड़ा, जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज मौजूद थी और हितग्राही सामान पाकर काफी खुश भी नजर आए और दिल्ली के गुंज संस्थान को हृदय से धन्यवाद देते दिखाई दिए। गुंज संस्था है एक नई दिल्ली की और ये जो बाढ़ प्रभावित हुआ था अगस्त के महीना में, हमारे यहाँ बाढ़ आया था शिवनारायण महानदी शिवनाथ नदी में, तो ये नदी के किनारे किनारे जो गांव हैं जिसमें भुई गांव, नवा गांव और प्रॉपर शिवनारायण में कुछ एरिया बाढ़ से डूब गया था जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। तो मैंने गुंज संस्था को लिखा था कि भाई ये बाढ़ प्रभावित है, इनके लिए आप कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो अच्छा होगा। वैसे मेरा नाम विभीषण पात्र है और हमारी एक संस्था है जन जागरण समिति करके, जो विभिन्न मुद्दों पर इस क्षेत्र में पिछले 12 साल से काम कर रही है। और हम लोग जब लिखे तो गुण संस्था ने कहा कि आप सर्वे कर लीजिए और सर्वे करने के बाद फिर उनका एक सिद्धांत होता है गुण संस्था का कि जिसको भी उसका हितग्राही होगा, जो भी उसका हितग्राही होगा उसको श्रम दान करना होता है। तो ये भूगांव के लोग 160 लोग श्रम दान किए, जिसमें नाला बंधान का है, नहर टूट गया था, सिंचाई के लिए दिक्कत हो रही थी तो उसका मरम्मत किए, तालाब का 2-3 पछरी एकदम अनुपयोगी था उसको ये लोग साफ करके पूरे गांव भर के लोग उसको उपयोग के लायक बनाए हैं, गली बहुत खराब हो गया था तो उसको बनाए हैं, रोड बारिश के कारण टूट गई थी तो उसको भी बनाए हैं। तो उसी के एवज में ये गुण संस्था अभी ये राहत पैकेज भेजी है। इसमें चावल है, दाल है, कपड़े हैं सीजन के अनुसार से, महिलाओं के लिए साड़ी है, पेंट शर्ट भी है और दरी गद्दा वगैरह भी है, साबुन, तेल, कोलगेट वगैरह ज़रूरत के सामान, बच्चों के लिए खिलौना भी इस तरह से इस पैकेट के अंदर है जो घर के उपयोग में काम आते हैं। मैं डमरू प्रसाद मनहर, श्रीमती विभा देवी मनहर जी का पति हूँ। हमारे गांव भुई गांव में बाढ़ से बहुत सारे मकान टूट गया था, जानवर भी मर गए, बकरियां भी मर गई थी, प्लस फसल को भी नुकसान हुआ था। तो हमने गुंज संस्था को संपर्क किए और गुंज संस्था को हम हमारे यहाँ के प्रभावित हितग्राहियों का नाम उनको भेजें तो उनके द्वारा अपनी संस्था की जो भी मतलब उनका रूल्स है, जैसे राहत पैकेज देने से पहले उनके द्वारा श्रमदान के काम करवाए जाते हैं उसी पंचायत में, तो हमारे पंचायत में श्रमदान का कार्य किए थे जितने भी मजदूर या फिर बाढ़ से प्रभावित मजदूर हैं, उनको गुंज संस्था दिल्ली से जो राहत पैकेज यहाँ आया है 270 पैकेट एक ट्रक से आया था और हमारे यहाँ 160-162 के आसपास खाली हुआ है और कुछ को जयराम नगर ले गए हैं, उसी दिन ले गए हैं। तो हम अपने ग्राम पंचायत की ओर से गुंज संस्था एवं हमारे विभीषण भाई भैया पात्रे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम उनके आभारी हैं कि भविष्य में भी इस तरह के कुछ भी होगा तो निश्चित रूप से हम अपने गांव को उनसे लाभ दिलाने के लिए लाभ दिलाने के लिए एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे साथ में हम। ब्यूरो रिपोर्ट।